नमस्कार, विंध्या सिटी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं निवेदिता हाजिर हूं आज की बड़ी खबर के साथ। प्लेटफार्म क्रमांक 2 में देर रात वारदात, रीवा रेलवे स्टेशन में महिला रेलकर्मी से दुष्कर्म का प्रयास, इंटरसिटी एक्सप्रेस में शटिंग के दौरान गार्ड बोगी में बैठे आरोपी ने की वारदात। रीवा रेलवे स्टेशन में एक महिला रेलकर्मी से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो बीती रात इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफार्म क्रमांक 2 में आकर खड़ी हुई थी, तभी महिला रेलकर्मी ट्रेन के पीछे वाले हिस्से की ओर शटिंग कराने पहुंची थी, क्योंकि रात में ट्रेन को धुलने जाना था। लेकिन पहले से गार्ड बोगी में बैठे अज्ञात आरोपी ने महिला के साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। जान बचाकर भागी पीड़िता पॉइंट मैन महिला रेलकर्मी की शिकायत पर चुराटा थाने में आईपीसी की धारा 376, 511, 323, 506, 342 का अपराध दर्ज किया है। गाड़ी संख्या 22189 जबलपुर से चलकर इंटरसिटी एक्सप्रेस गुरुवार की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच प्लेटफार्म क्रमांक 2 में आकर खड़ी हुई थी, तभी बाईपास छोर की ओर से लगी गार्ड बोगी के पास महिला रेलकर्मी इंजन का शटिंग कराने आई थी। इसी बीच गार्ड बोगी में बैठे अज्ञात आरोपी ने महिला को ट्रेन की ओर खींच लिया, जहां उसने दुष्कर्म का प्रयास करते हुए मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। फिर भी महिला हार नहीं मानी, वह आरोपी का विरोध करते हुए जान बचाकर भाग निकली। प्लेटफार्म क्रमांक 1 में आकर दी जानकारी। पॉइंट मैन के पद पर तैनात महिला रेलकर्मी प्लेटफार्म क्रमांक 1 में पहुंचकर अन्य कर्मचारियों को मामले की जानकारी दी, लेकिन रीवा जीआरपी थाने में महिला पुलिस अधिकारी न होने की वजह से पीड़िता वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में चुराटा थाने पहुंची, जहां उसने थाना प्रभारी निरीक्षक विद्यावारी तिवारी को गलत होने की जानकारी दी। महिला थाना प्रभारी ने लिए बयान। बताया गया कि देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच महिला रेलकर्मी से दुष्कर्म की जानकारी महिला थाना प्रभारी निरीक्षक प्रियंका पाठक को दी गई। वह सूचना मिलते ही चुराटा थाने पहुंच गई, जहां उन्होंने महिला रेलकर्मी से बयान लेते हुए संजय गांधी अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए भेजा था। एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद चुराटा थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। अज्ञात है आरोपी। पुलिस का दावा है कि वारदात करने वाला आरोपी अज्ञात है, उसको न पीड़िता पहचान पाई है और न रेलवे की ओर से अधिकृत जानकारी दी है। फिलहाल रीवा रेलवे स्टेशन में लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर आरोपी की तलाश की जा रही है। चर्चा है कि रीवा स्टेशन में महिला रेलकर्मी काफी संख्या में तैनात हैं, ऐसे में अक्सर गार्ड बोगी की ओर शरारती तत्व रहते हैं, लेकिन इस बार वारदात कर सनसनी फैला दी है। और नई खबर पाने के लिए बने रहे विंध्या सिटी 24 के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ट्रेन में ये महिला सेंटरिंग का काम करती थी। इस तरह का इसका कहना था कि जब ये सेंटरिंग की काम करने के लिए गाड़ी के बोगी में थी, उसी समय एक व्यक्ति के द्वारा जिसको वो जानती नहीं है आया और इससे बदतमीजी करने लगा। इसने मना ना किया तो उसने इसके साथ मारपीट की, 2-3 बार इसको उठा के पटक पटक दी। इस तरह की महिला ने शिकायत की और बता रही थी कि इसकी जांघ के आसपास उसने काटा भी। उसकी रिपोर्ट पर से जब ये थाने पहुंची तो पुलिस ने तत्काल इसको महिला के साथ ऐसी हुई अभद्रता के संबंध में संज्ञान में लिया। महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया और रात्रि में ही और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। आरोपी के बारे में भी पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज के बारे में टीआई लगे हुए हैं, रेलवे से संपर्क हो गया है और वो सीसीटीवी फुटेज दिखा के आरोपी की पत्थरसाजी के बारे में सहयोग कर रहे हैं।